नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आपकी आवाज़ इस वक्त की बड़ी खबर। लक्सर रेलवे स्टेशन हुआ जलमग्न, कई गाड़ियों को करना पड़ा कैंसिल। नजीबाबाद हरिद्वार रेलखंड पर लक्सर रेलवे स्टेशन भारी जलभराव के कारण यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरस्त कर दी गई। इसके अलावा कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर संचालित किया गया। रेलवे के सूत्रों के अनुसार लक्सर रेलवे स्टेशन पर जलभराव के कारण कई गाड़ियों को निरस्त एवं शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 3 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया। इसके अलावा कई ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की गई। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर गंतव्य को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और काफी संख्या में यात्री ट्रेनों से नजीबाबाद तक पहुंचे और आगे ट्रेन नहीं जा सकी। बताया गया कि 14,229 योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस को नजीबाबाद में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। 14,114 लिंक एक्सप्रेस पानी आने से पूर्व लक्सर से निकल गई थी, जिस कारण लिंक वापसी में नहीं आ सकी एवं कैंसिल कर दिया गया। 12,092 नैनी दून जनशताब्दी रायसी स्टेशन से शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। 04359 04360 चंदौसी ऋषिकेश पैसेंजर को 17 जुलाई 2023 तक कैंसिल कर दिया गया। योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के यात्रियों को रेल प्रशासन द्वारा हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को बस की सेवा उपलब्ध कराई गई। कुछ यात्रियों ने बताया कि हरिद्वार से मुंबई जाने वाली गाड़ी में बैठना था, लेकिन नैनी जनशताब्दी रांची में खड़ी हो गई, उस कारण उनको वापसी आने में अभी समय लगा। तब तक नजीबाबाद पहुंचते हरिद्वार से गाड़ी निकल चुकी थी, अतः यात्रियों का कहना है कि उनका काफी नुकसान हुआ है। नजीबाबाद से हरिद्वार जाने के लिए बसों में भी भीड़ रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो ट्रेन नजीबाबाद में ही शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई, उसके लिए हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए कोई विकल्प नहीं। भैया क्या नाम आपका? आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ से लौट का है? रायसी से। कब, कितने घंटे रायसी खड़ी है गाड़ी? 6 घंटे रायसी खड़ी होने के बाद लौट का है आप लोग? जी, मेरा नाम वरुण परमार है और मेरे रिश्तेदार सुबह से रायसी में नैनी एक्सप्रेस में फंसे हुए थे, जो सुबह से अब वापस लौट के आ रही है नजीबाबाद, जिन्हें लेके मुझे अब देहरादून जाना है। क्या नाम भैया आपका? सिद्धार्थ। आप कहाँ जा रहे थे? भवानी के लिए। कहाँ से लौट गए हैं आप? अभी हम लक्सर से पहले से लौट। रायसी से? क्या घंटे रायसी में रुक रहे हैं आप? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे रायसी रुक रहे हैं, तो रायसी से वापस हो गई गाड़ी, देहरादून तक नहीं गई। हम रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर खड़े हुए हैं। ये यात्री आ रहे हैं काठगोदाम देहरादून से उतर रहे हैं, जिनको देहरादून या आगे जाना था, क्योंकि पानी रायसी के और लक्सर के बीच में काफ़ी पानी आया, जिससे गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। ये यात्री परेशान होकर अपने घर जाने को मजबूर हैं। किसी को देहरादून, किसी को हरिद्वार, किसी को काठगोदाम और किसी को पंजाब जाना था, मगर गाड़ी लक्सर तक नहीं पहुंच पाई, रायसी से उसको वापस करना पड़ा। कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग परेशान हैं और कुछ महिला जो अपने बच्चों को लेकर अपने घर जा रही थी, काफ़ी परेशान नजर। बेटा क्या नाम, आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से लौट गए आप? नाम है, मैं देहरादून जा रही हूँ। जी, तो कहाँ से लौटे आप? हम लोग लक्सर से पहले से रायसी। क्या घंटे खड़े रायसी में आप? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे रायसी रुकने के बाद फिर लौट कर घर आना पड़ा। कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी तो काफ़ी हुई, अराउंड 9-10 घंटे खाने के लिए भी कुछ खाने। देहरादून क्या करते हैं आप? देहरादून में जॉब करती हूँ, घर से काम करती हूँ। अच्छा, घर से जॉब करती हो, घर वाले परेशान होंगे आपके? भांजी, हमारे भांजी। भैया कितने घंटे बाद लौट के आई गुड़िया? 6-7 घंटे बाद। ये कहाँ जा रहे थे? देहरादून। क्या हुआ फिर, नहीं पहुँच पाई? पहुँच ही नहीं पाई है ना, वहाँ लक्सर पता करा है, वहाँ पे ना गाड़ी जा रही थी ना बाइक जा रही थी, हमने सब जगह तक पता करा है, फिर उसको बुलवाया। लक्सर में पानी आ गया है लाइन पर, इसकी पहले लक्सर में ही पटरी का पानी आ चुका था। जी जी, इसकी वजह से नहीं लौट रहे, इसकी वजह से वापस आई है। क्या नाम आपका गुड़िया? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मेरे को
हल्द्वानी से देहरादून जाना था, एक्चुअली मेरा एग्जाम था तो इसलिए जल्दी जाना था, इन्होंने लेट कर दिया। फिर क्या हुआ आपका? क्या हुआ, बस पागल बने हम, मतलब वापस 6-7 घंटे, अब वो भी अभी ये लोग कंफर्म नहीं बता रहे कि हल्द्वानी जाएगी नहीं जाएगी ट्रेन, अब ये यहाँ पे रुकी है। नहीं ये तो ट्रेन हल्द्वानी जाएगी, ये देहरादून नहीं जा पाएगी। तो अब लेकिन हमें तो जाना जरूरी है देहरादून, अब बच्चे भी नहीं चल रही हैं तो कैसे जाए। प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम था आपका, किस चीज़ का एग्जाम था? मेरे तो कॉलेज के एग्जाम है सेमेस्टर के। अच्छा, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम बेटा आपका? पलट सिंह। क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे थे? देहरादून जा रहे थे, मुरादाबाद से। क्या हुआ फिर? एक ट्रेन रुक गई बीच में। कहाँ पर? रायसी। क्या घंटे ट्रेन रुकी रही? 10:30 बजे से खड़े हुए। तो आप पेपर था आपका, आप कब वापस जा रहे हैं आप? हाँ, कब कुछ और जाने के लिए। हाँ, देहरादून का रास्ता बंद है जी। आपको देहरादून जाना था? हाँ जी। तो काफ़ी बच्चे का पेपर बनाने के लिए जा रही थी। अब कैसे जाएंगे आप देहरादून? अब अपने बेटे को बुलाया है मैंने घर से, अपने भांजे को। अच्छा, उसके साथ जाएंगे। तो 7-8 घंटे से परेशान हो गए, रईसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे हमारी ट्रेन। अच्छा, अब अपने घर यहाँ पेपर बुलाने जाऊँगी मैं अपनी बच्ची के लिए। किस चीज़ पापा से ट्राफिक गिरा में? किस चीज़ का पेपर था? प्रोजेक्ट था जी। हम धनबाद से हैं, हम जगह जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें ट्रेन मुरादाबाद के आगे से हमें बोला गया कि सहारनपुर वाली गाड़ी नहीं जाएगी और अम्बाला आगे अम्बाला और पंजाब जाएगी नहीं गाड़ी, तो फिर वापस हम बोले कि वापस मुरादाबाद को जाएगी और उसके बाद फिर वापस वहाँ से अलग दूसरी रूट से अम्बाला जाएगी। काफ़ी परेशानी हो रही होगी आपको? हम लोग यहाँ से जा रहे थे पंजाब, ब्यास में जाना था तो रायसे गाड़ी रुकी 3-4 घंटे और फिर वापस यहाँ पे हमें ला के खड़ा कर दिया। अब हम सोचे कि अभी हम यहाँ से क्या करें, सारे परेशान हैं, देखो हम बैठे हुए ऐसे ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। भैया आपका शुभ नाम? दीपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायबरेली। कहाँ जाना था आपको? लखनऊ। कब से परेशान हैं आप? हम तो आज सुबह से 2 बजे से परेशान हैं, पहले ऋषिकेश दिखा रहा था बोल के, फिर बाद में बोला नजीबाबाद से जाना है आपको जी, रोक तो दिया है। ट्रीटमेंट करते थे उसके लिए आगे के लिए, इतना रहता ना हमको अलाउंस हुआ रहता ना तो हम इतने बच्चे सबको लेके जाते थे हमने, अब इतने बच्चे थे इनको कहाँ से, अब बारिश भी हो रहा था तो वो सबका देखना पड़ रहा था हमको। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमारी आवाज़ पहुँचाइए सर, हमको कुछ रिफंड होना चाहिए। ये हमको यानी कि अलाउंस कर दिया जाता ना तो हम अपने उसमें रहते थे ना सर। तो ये तो स्टेशन की गलतियाँ कर्मचारियों की, इन्होंने हमको हरिद्वार पहुँचना था खाली जी, हरिद्वार पहुँच जाते ना तो हमको हो जाता था, हमारा जो काम था ना वो हो जाता था, हम एक बार उसमें बैठ जाते ना तो बॉम्बे हम लोग को हो जाता था, पहुँच जाते थे। हमारे यहाँ कितनी तकलीफ है हमारे बच्चे। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान सिंह है, मैं जो है ना सुबह से हम फर्स्ट 10 बजे के लगभग हमने एक गाड़ी पकड़ी थी हरिद्वार के लिए, तो इस वक्त में हम पहुंच नहीं पाए उधर, ये गाड़ी इधर कुछ कारण था, कुछ यानी कि समस्या था, पटरी का कुछ काम चल रहा था या पानी वगैरह भरा था तो उसकी वजह से हम उस तरह फंस गए, तो अभी हमको फिर लौट के इधर ही हमको उधर ही आना पड़ा, हम अपने जो मुकाम पर हमें जाना था उस जगह पर हम पहुँच नहीं पाए, तो सर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है सर, हमारी बात पहुँचाइए सर प्लीज़। ठीक है।